हेलो एवरीवन माय नेम इज वर्दान एंड आई वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट बैंक सो भाई मैग्नेट बैंक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको किंडर गार्डन से लेकर क्लास ट्वेल्व तक हर कोर्स मिल जाएगा यू कैन आस्क फॉर एनीथिंग यू कैन आस्क फॉर एनटीएससी यू कैन आस्क फॉर ओलंपियाड्स किसी भी टाइप का ओलंपियाड चाह हुआ यू कैन आस्क फॉर सीबीएससी बोर्ड यू कैन आस्क फॉर स्टेट बोर्ड यू कैन आस्क फॉर एनसीआरटी बुक या किसी भी फेमस ऑथर की बात करें रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट में सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा हमारे प्लेटफॉर्म पे मतलब या तो हमारे यूट्यूब चैनल पर या फिर हमारी वेबसाइट पर या फिर हमारे आप पे आपको यहां पे मिल जाएगी क्वालिटी एजुकेशन एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट यस यू हर्ड दैट राइट फ्री ऑफ कॉस्ट दो चैप्टर्स या दो वीडियोस नहीं पूरा कंटेंट आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट ऑल इज कम एंड लर्न फ्रॉम वीडियोस

शुरुआत करते हैं इसकी ठीक है तो में यार ये कुछ लिस्ट है एप्लीकेशन की ऑफ एन जिसको हम एक एक करके डिटेल में समझेंगे ठीक है सबसे पहला है पहलेमेंट एनालिसिस ठीक है फिर नेक्स्ट है मशीन ट्रांसलेशन नेक्स्ट है टेक्स्ट एक्सट्रैक्शन नेक्स्ट है टेक्स्ट क्लासिफिकेशन, आगे है स्पीच रिकोगशन फिर है चार्टॉट एंड वर्चुअल या स्मार्ट असिस्टेंट नेक्स्ट है टेक्स्ट और ऑटोमेटिक समराइजेशन ठीक है नेक्स्ट है ईमेल फिल्टर फिर नेक्स्ट है इसके बाद प्रोडिक्टिव टेक्स्ट तो ये सब एप्लीकेशन है भाई एन के सारे ही एन के एप्लीकेशन है एक एक करके हम इनको डिटेल में कवर करेंगे ऑल इतने सारे एक वीडियो में हम कवर नहीं कर पाएंगे तो वट वी वुड डू इस स्टार्टिंग के फोर हम इस पार्ट में कवर करेंगे पार्ट वन में और फिर जो रिमेनिंग फाइव है वो हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे पार्ट टू में ठीक है तो चलिए फटाफट -फर्ट शुरुआत करते हैं इसमें कवर करते हैं आगे के एप्लीकेशन फर्स्ट है सेंटीमेंट 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 एनालिसिस 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 इज देखो भाई सिंपल सी बात का मतलब है कि एक टेक्स्ट जो भी लिखा गया है जो भी टाइप किया गया है एज अ एज अ कस्टमर एज अ यूजर आप रिव्यूज दे सकते हो कमेंट्स लिख सकते हो तो जो भी रिव्यूज कमेंट्स आप लोगों ने लिखे हैं क्या मशीन आपके टेक्स्ट को पढ़ के ये समझ सकता है कि आप क्या फील कर रहे हो उसको लिखते समय क्या आप लिखते समय गुस्से में हो क्या आप खुश हो सैटिस्फाइड हो या उदास हो तो क्या फील कर रहे हो क्या यह मशीन समझ सकता है Yes, कुछ समय पहले तक नहीं कर सक, समझ सकता था बट अब समझ सकता है बिकॉज हमारे पास है सेंटिमेंट एनालिसिस एनएलपी का एप्लीकेशन जो यही करता है ठीक है सेंटिमेंट एनालिसिस ऑल्सो नोन एज ओपिनियन माइनिंग और इमोशन ए ठीक है तो तीन इसके नाम हैं एक है सेंटिमेंट एनालिसिस मतलब सेंटिमेंट एनालिसिस कहा जाए या फिर ओपिनियन माइनिंग कही जाए या फिर इमोशन ए कहा जाए सेम चीज है ठीक है सेम चीज की बात चल रही है इज अ सब फील्ड ऑफ एन एल पी दाइज टू आइडेंटिफाई एन एक्सट्रैक्ट ओपिनियंस विद इन अ गिवन टेक्स्ट अक्रॉस ब्लॉग्स रिव्यू सोशल मीडिया फॉरम न्यूज एक्सेट्रा तो ये सब है भाई न्यूज है फॉरम्स है सोशल मीडिया है रिव्यूज है ब्लॉग्स है इन सब में आप जो टेक्स्ट रिप्रेजेंट करते हो जो लिखते हो उसके इमोशंस को एक्सट्रैक्ट करना ही इसका सेंटिमेंट एनालिसिस का काम है सेंटिमेंट एनालिसिस इज द इंटरप्रिटेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ इमोशंस इमोशंस का क्लासिफिकेशन है पॉजिटिव नेगेटिव या न्यूट्रल ठीक है ये चीजें क्लासिफाई करता है विद इन टेक्स्ट डेटा यूजिंग टेक्स्ट एनालिसिस टेक्निक तो टेक्स्ट एनालिसिस टेक्निक्स को लगा के ये इमोशंस को ही जज करता है पॉजिटिव नेगेटिव या न्यूट्रल सेंटिमेंट एनालिसिस अलाउज बिजनेस टू आइडेंटिफाई कस्टमर सेंटिमेंट टू प्रोडक्ट्स ब्रांड्स और सर्विसेज इन ऑनलाइन कन्वर्जेशन एंड फीडबैक ठीक है तो अलग अलग जगह पे ये सेंटिमेंट एनालिसिस काम करते हैं बिजनेसिस को हेल्प करते हैं टू आइडेंटिफाई कस्टमर्स तो कस्टमर जैसे आपने कोई भी चीज खरीदी अमेजोन से खरीदी फ्लिपकार्ट से खरीदी अब आपने वहां रिव्यूज लिख दिए कस्टमर रिव्यूज लिख दिया कुछ भी कंप्लेन वगैरह लिख दी तो अब आपके जो भी आपने टेक्स्ट लिखा है उसको पढ़ने के लिए किसी इंसान की जरूरत नहीं है अब वहां पर रोबोट्स बैठे हुए हैं वहां पर यह सेंटिमेंट एनालिसिस का काम हो रहा है जो आपके प्रोडक्ट को जो भी आपका रिव्यू उसको पढ़ के समझ जाएगा कि यार आप खुश हो नहीं हो और ये

ऑफ इट बेस्ड ऑन their opinions और यू guessed इट sentiment ठीक है तो सिंपल सी बात है कि भाई क्या है कि यार अलग अलग सिचुएशन में मूवी रिव्यूज़ में या लिखा हुआ है मूवी रिव्यूज़ में रिसेंट मूवी जो आई है बिजनेसिस में अलग अलग आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे इंस्टा पे फेसबुक पे लिंकडिन पे ट्विटर पे ट्विटर पे बहुत ज़्यादा यूज होता है सेंटिमेंट एनालिसिस का ठीक है या फिर प्रोडक्ट आपने कोई भी लॉन्च किया उस प्रोडक्ट के रिव्यूज़ तो ये सब पहचानने के लिए कि यार क्या चल रहा है लोग क्या सोच रहे हैं क्या फील कर रहे हैं उसको जानने के लिए सेंटिमेंट पहचानने के लिए आप यूज़ करते हैं किसका सेंटिमेंट एनालिसिस का Typically, sentiment analysis for text data can be computed on several levels. बहुत तरीके से हो सकता है including on an individual sentence level, पैराग्राफ लेवल और द इंटायर डॉक्यूमेंट एज ए होल तो यार हो सकता है सेंटिमेंट पहचाना जाए लाइन बाय लाइन पूरे पैराग्राफ का सेंटीमेंट जाना जाए पूरे टेक्स्ट का sentiment जाना जाए तो वो अलग अलग लेवल पे हो जाता है

विथ ओनली एन ऑब्जेक्टिव कंटेक्सट अब ये ऑब्जेक्टिव कंटेक्स और सब्जेक्टिव कंटेक्स का क्या मतलब हुआ तो देखो यार ऑब्जेक्टिव कंटेक्ट वो टेक्स्ट होता है जिसमें सिर्फ फैक्ट होते हैं जैसे सपोज मैंने कह दिया कुछ भी आ, आपने आ, कोई भी फैक्ट बोलते जैसे कि पाइथन इज सॉरी पाइथन इज एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज अब यह एक स्टेटमेंट है एक यूनिवर्सल ट्रथ है ठीक है तो ये जो यूनिवर्सल ट्रथ आपने बोला है इस चीज ये चीज को हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव कंटेक्सट अब यहां पर कुछ सेंटिमेंट की बात नहीं हो रही क्या

विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्टिव कंटेक्ट ऑब्जेक्टिव टेक्स यूजली डिपेंड्स सम नॉर्मल स्टेटमेंट्स और फैक्ट्स विदाउट एक्सप्रेसिंग एन इमोशन फीलिंग्स या मूड ऑन दर हंड सब्जेक्टिव टेस्ट कंटेंस टेक्स दट इज यूजली एक्सप्रेस बाईम बींग सॉरी ह्यूमन बींग टिपिकल मूड्स इमोशंस एंड फीलिंग्स सो अलग अलग इमोशंस मूड फीलिंग्स ये सब एक्सप्रेस करते हो आप सब्जेक्टिव टेक्स्ट में ऑब्जेक्टिव टेक्स्ट में सिर्फ फैक्ट्स होते हैं ठीक है सो so, अगर मैं की एक्सपेक्ट बताऊं सो द की एस्पेक्ट ऑफ सेंटीमेंट एनालिसिस इज टू एनालाइज अ बॉडी ऑफ टेक्स्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग द ओपिनियन बाय इट तो सिंपल सी बात है टेक्स्ट जो लिखा हुआ है वो उसके ओपिनियंस क्या, क्या, क्या है उसका मूड क्या है उसका इमोशन क्या है डेफिनेटली अगर आपने एक टेक्स्ट का मूड या इमोशन जान लिया तो आपने उस बंदे का इमोशन जान लिया जिसने उस टेक्स्ट को लिखा है ठीक है तो वही अल्टीमेट गोल है हमारा टिपिकली वी क्वांटिफाई दिस सेंटीमेंट विद अ पॉजिटिव और नेगेटिव साइन कॉल्ड आज पोलरिटी अब देखो इस सेंटिमेंट एनालिसिस में जो सेंटिमेंट है उसको हम वैल्यू uh, देते हैं जिसको हम कहते हैं पोलरिटी अब पोलैरिटी पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल हो सकती है उस बेसिस पे हम जज करते हैं द ओवरऑल सेंटिमेंट इज ऑफ एन इनफर्ड एज पॉजिटिव न्यूट्रल और नेगेटिव फ्राम द साइन ऑफ द पोलैरिटी स्कोर तो इस पोलैरिटी स्कोर के साइन के बेसिस पे हम ये देखते हैं कि पॉजिटिव है नेगेटिव है कि न्यूट्रल है सिचुएशन ठीक है, है तो सेंटिमेंट एनालिसिस में यह काम होता है इसके बाद अगर नेक्स्ट बोलें तो नेक्स्ट है भाई मशीन ट्रांसलेशन जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मशीन ट्रांसलेशन की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है बिकॉज जिस दुनिया में हम रहते हैं यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो मल्टीपल लैंग्वेजेस बोलते हैं और जिस कंट्री में हम हैं तो हम तो सेक्युलर कंट्री हैं तो हमारे यहाँ तो पाई जाती हैं बहुत सारी लैंग्वेजेस ठीक है और अगर मैं यह कहूं कि एक लैंग्वेज में कोई इंफॉर्मेशन बहुत वैल्यूबल इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है और कोई बाकी जो दुनिया है उसको समझने के मतलब उसको वो चीज समझ में नहीं आ रही क्योंकि वो लैंग्वेज उसे नहीं पता तो यार ये लैंग्वेज बैरियर होना इज नॉट ठीक है तो इसीलिए मशीन ट्रांसलेशन की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है विद द एवर ग्रोइंग अवेलेबिलिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन द नेसेसिटी टू एक्सेस इट बिकम्स मोर एंड मोर इंपॉर्टेंट क्योंकि इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल इंटरनेट पर अब हमें किसी अलग सिटी में कंट्री में जाने की जरूरत नहीं है ट्रैवल करने की जरूरत नहीं है वहां की इंफॉर्मेशन को लेने के लिए ऑनलाइन नेट पे इतने इंफॉर्मेशन अवेलेबल है बट सीन यह है कि यार वो अलग अलग लैंग्वेजेस में अवेलेबल है ठीक है तो अब अगर इस इंफॉर्मेशन को आप एक्सट्रैक्ट ना कर पाओ अपनी लैंग्वेज में समझ ना पाओ तो दैट इज नॉट गन वर्क नाउ इन दिस मॉडर्न वर्ल्ड ठीक है सो मशीन ट्रांसलेशन हेल्प्स इन ओवरकमिंग लैंग्वेज हर्डल्स दैट वी यूजीरियंस बाई ट्रांसलेटिंग टेक्निकल मैनुअल्स सपोर्ट कंटेक्ट और कैटलॉग्स एट अ अंसिडरेबली स्मॉल कॉस्ट ठीक है तो अब जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है कुछ भी इंफॉर्मेशन हो सकती है वेदर 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 इट 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 बी 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 टेक्निकल मैनुअल्स सपोर्ट कंटेंट्स कैटलॉग्स एनी इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल उसको ट्रांसलेट किया जा सकता है और बहुत छोटी कॉस्ट पे बहुत कम अमाउंट में ठीक है बिकॉज कॉस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट पहले भी होता था ट्रांसलेशन ट्रांसलेटर्स एग्जिस्ट करते थे ऐसे लोग एग्जिस्ट करते थे जो एक लैंग्वेज को दूसरे लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने का काम करते थे बट दैट वॉज वेरी कॉस्टली तो अब उस कॉस्ट को कम करके ये ट्रांसलेशन पॉसिबल हुआ है मशीन ट्रांसलेशन एम टीज वन ऑफ द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग उनमें से एक एप्लीकेशन है जो सबसे पहले पाया गया था एन एल पी का टास्क ऑफ ऑटोटिकली कन्वर्टिंग ऑफ द इनपुट टेक्स इन प्रोवाइडिंग्लुएंट टेस्ट एज आउटपुट लैंग्वेज सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां पे ये है कि ये जो अटेम्प्ट करता है ये करता है कि एक नेचुरल लैंग्वेज को दूसरी नेचुरल लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जा सकते हैं। और बिल्कुल सेम में मतलब जो पहली लैंग्वेज कह रहा है, सेकेंड लैंग्वेज में जो कन्वर्शन हुआ है, वो भी वही काम बता सके वही चीज को बता सके ठीक है तो ये लैंग्वेज अगर आप जनरेट कर पाओ तो यही है यार नेचुरल मतलब मशीन ट्रांसलेशन और ये है सबसे बड़ा एप्लीकेशन ऑफ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग ठीक है अमंग द फर्स्ट ऑटोमेटेड सॉरी ऑटोमेटेड ट्रांसलेशन इज पर्टिकुलरली यूजफुल इन बिजनेस बिकॉज इट फैसिलिटेट्स कम्युनिकेशन अलाउ कंपनीज टू रीच ब्रॉडर ऑडियंसेज एंड अंडरस्टैंड फॉरन डॉक्यूमेंटेशन इन अ फास्ट एंड कॉस्ट इफेक्टिव वे बिजनेसिस में यार बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं फाइनली एवरीथिंग इज अबाउट ट्रेडिंग आप कैसे लेन देन करते हो ट्रेडिंग करते हो तो बिजनेस में यार ट्रांसलेशन का काम बहुत ज्यादा है बिकॉज आप डेफिनेटली कुछ लोगों से अगर इंटरेक्ट कर रहे हो तो लैंग्वेज आनी जरूरी है ना राइट right? चैलेंज विद मशीन ट्रांसलेशन टेक्नोलॉजी इज नॉट अबाउट ट्रांसलेटिंग वर्ड बट अबाउट कॉम्प्रीहेंडिंग द मीनिंग ऑफ सेंटेंसिस टू ऑफर एन एक्जैक्ट ट्रांसलेशन अब देखो यार ट्रांसलेशन मशीन ट्रांसलेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह नहीं है कि वर्ड्स को ट्रांसलेट नहीं कर पाते हर वर्ड का ट्रांसलेशन एग्जिस्ट करता है एक वर्ड हिंदी में क्या है इंग्लिश में क्या है फ्रेंच में क्या है स्पेनिश में क्या है संस्कृत में क्या है इस बात की प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये तो हमें पता चली जाएगा ये मिल जाएगा ठीक है प्रॉब्लम है कि एक सेंटेंस आपने बनाया है एक सेंटेंस जो मीनिंग जनरेट कर रहा है जो कहना चाह रहा है अगर आपने इसे दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट किया तो क्या वो सेंटेंस भी वही चीज़ को डिपिक कर रहा है अगर हाँ देन दैट इज़ परफेक्ट बट नहीं तो यार आप सक्सेसफुल नहीं हो अभी मशीन ट्रांसलेशन में आपको काम करने की ज़रूरत है तो मशीन ट्रांसलेशन से हम यही मतलब यही अच्छी करना चाह रहे हैं कि हम एक नेचुरल लैंग्वेज से दूसरी नेचुरल लैंग्वेज पर जा सके और मीनिंग प्रिजर्व हो सके जो आप एक नेचुरल लैंग्वेज में कह रहे हो दूसरी लैंग्वेज में भी वही बात कही जाए यही हमारा टारगेट है ठीक है नेक्स्ट इसके बाद आता है भाई टेस्ट एक्स्ट्रैक्शन व्हाट इज टेक्स्ट एक्सट्रैक्शन सो टेक्स्ट एक्सट्रैक्शन और इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन ऑटोमेटिकली डिटेक्ट्स स्पेसिफिक इन अ टेक्स्ट सच एज नेम्स कंपनीज प्लेसेस और मो अब जैसे सपोज बहुत बार क्या होता है आपने बहुत लंबे चौड़े टेक्स्ट लिख रखे हैं ठीक है अब किसी के पास टाइम नहीं है यार पूरा टेक्स्ट बार बार पढ़े बट कुछ इंफॉमेशन नेसेसरी चाहिए होती है तो वो एक्सट्रैक्ट करने का काम करता है टेक्स्ट एक्सट्रैक्शन जिसमें आप सपोज आप एक टारगेट uh, डाल दो कि यार इस पूरे टेक्स्ट में से मुझे सारे नाम निकाल के दे दो इस पूरे टेक्स्ट में से सारी कंपनी

राइट right. इसके बाद नेक्स्ट मेक्स इट टू हेल्प यू फाइंड द इनफॉर्मेशन यू नीड और सिंप्लीफाई सम एक्टिविटीज इट इज द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग टेक्स टास्क और कैटेगरीज टू टेक्स अकॉर्डिंग टू इट्स कंटेस्ट तो सिंपल सी बात है यार जैसे ई मेल्स में बहुत बार होता है कि जैसे आप जब याहू सर्च करते हो तो ऐसा नहीं है कि यार हर टैग में जो भी सपोज अलग अलग इंफॉर्मेशन है अलग अलग न्यूजेज हैं, वो रैंडमली आपके लिए बिखेर दी जाती है नहीं याहू सर्च गूगल सर्च क्या करते हैं कोशिश करते हैं कि सेम टाइप की न्यूज़ेस को एक साथ कैटेगराइज कर सके तो वही तो है भाई टेक्स्ट क्लासिफिकेशन। मतलब आपकी टेक्स्ट को पढ़ा जाए है ना जो भी आपने कोई भी चीज़ लिखी हो टेक्स्ट पढ़ी जाए और इसको कैटेगराइज कर दिया जाए कि यार ये किस चीज़ से बिलोंग करते हैं जैसे सपोज एक हेडलाइन की हम बात करते हैं न्यूज़ की बात करते हैं डेली न्यूज़ आती हैं अब हो सकता है यार कुछ न्यूज़ स्पोर्ट्स से रिलेटेड आती हो कुछ इंटरनेशनल न्यूज़ हो कुछ नैशनल न्यूज़ हो कुछ जोग्राफिकल न्यूज़ हो कुछ अलग अलग वेदर फॉरकास्ट वगैरह न्यूज़

कंप्यूटर पढ़ेगा ए आई का काम है ये कंप्यूटर पढ़ेगा टेक्स्ट को वो समझ जाएगा कि यार यहां पे स्पोर्ट्स की बात हो रही है तो उसको कैटेगराइज कर दिया जाएगा स्पोर्ट्स और स्पेसिफिक स्पोर्ट्स भी दे दिया जाएगा कि क्रिकेट की बात हो रही है फुटबॉल की बात हो रही है एफ की बात हो रही है या जिस भी चीज़ की बात हो रही है उस कैटेगरी में क्लासीफाई कर दिया जाएगा और उस कैटेगरी में डाल दिया जाएगा और फिर आपको वो उस तरीके से सर्च होता है और इसी बैक एंड पे वो काम करता है और इसीलिए इतना एफिशियंट है गूगल ठीक है तो कभी डिटेल में बात करेंगे गूगल के गर्थम के ऊपर भी कैसे काम करता है ठीक है बट आई होप यहां तक आपको चीज समझ में आएगी इट्स वन ऑफ द फंडामेंटर सॉरी इट्स वन ऑफ द फंडामेंटल टास्क इन एन एल पी विद ब्रॉड एप्लीकेशन सच एस सेंटिमेंट एनालिसिस टॉप पिक लेबलिंग स्पैम डिटेक्शन इन इंटरनेट डिटेक्शन ठीक है ना यह बहुत बेसिक सा काम है

समझे हो ठीक है इसके अलावा आपके और भी कुछ एप्लीकेशंस एग्जिस्ट करते जो भी हमने लिस्ट देखी थी ठीक है इससे पहले हमने कुछ और लिस्ट भी देखी थी राइट हमने बहुत सारी लिस्ट देखी है हमने सेंटीमेंट एनालिसिस मशीन ट्रांसलेशन टेक्स्ट एक्सट्रैक्शन और टेक्स क्लासिफिकेशन देख लिया इसके बाद अभी स्पीच रिकोग्शन चैटबॉट एंड वर्चुअल और स्मार्ट असिस्टेंट्स टेक्स्ट और ऑटोमेटिक समराइजेशन ईमेल फिल्टर्स प्रिडिक्टिव टेक्स ये सब बच रहा है ठीक है तो ये सब भी हम आगे देखेंगे तो इसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो का वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट वीडियो में पार्ट टू में आपको इस नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के जो रिमेनिंग एप्लीकेशन है वो बताऊंगा मैं ठीक है सो जस्ट वेट एंड वॉच फॉर दैट वीडियो ठीक है जो आपको नेक्स्ट पता चलेगा इसके बाद अगर हम आगे बढ़े इसमें तो नेक्स्ट

गी जिसमें आपको प्ले पॉज का आगे पीछे स्पीड कंट्रोल वॉल्यूम कंट्रोल सारे ऑप्शन मिलेंगे जिसकी मदद से आप इस वीडियो को कंट्रोल कर सकते हो ऑल दो यहां पे आपको कुछ और एप्लीकेशन मिलते हैं जैसे कि यहां पे आपको कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं मिलेगा इधर उधर की वीडियो डिस्ट्रैक्ट नहीं करेंगी यहां पे आप फोकस होकर पढ़ सकते हो यहां पे अगेन मार्केट में इसका सारा कंटेंट अवेलेबल है इस प्लेटफॉर्म पे वेदर इट बी एन टी एस सी स्टेट बोर्ड स्टेट बोर्ड सीबीएसई बोर्ड एनसीआर बोर्ड या किसी भी फेमस ऑथर की बात करें रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट में सारा कंटेंट आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट ऑल यू नीड टू डू इसमन लाइफ from those videos. ओके okay. सबसे अच्छी बात यह है कि पूरा कंटेंट यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है सारे प्लेटफॉर्म पे मतलब हमारी वेबसाइट पे भी यूट्यूब चैनल पे भी और इवन हमारे ऐप पे भी सारा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है सो ऑल यू नीड टू डू इज लर्न फ्रॉम देम सो कीप लर्निंग फ्रॉम देम राइट और टेक एडवांटेज ऑफ दिस प्लेटफॉर्म्स और अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही है कंटेंट पसंद आ रहा है वीडियोज अच्छी लग रही है अगर आपको लगता है कि आप हर रोज हमसे कुछ नया सीख रहे हैं अगर आपको लगता है कि आपको आपके एग्जाम्स में हेल्प हो रही है हमारी वजह से सो हमारे साथ यानी कि मैग्नेट बेंस के जुड़े रहिए बिकॉज हम लाते हैं आपके लिए किंडर गार्डन से क्लास ट्वेल्थ तक हर कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट हर कोर्स में हम आपके साथ हैं सो वी एक्सपेक्ट आप भी हमारे साथ इसी तरीके से बने रहेंगे राइट right? मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में टिल देन गुड बाय थैंक यू वेरी मच